चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर है। यह प्लांट चार रिएक्टरों से बना है, जिनकी डिजाइनिंग 1970 से 1980 के बीच की गई थी। यूएन साइंटिफिक कमिटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन के अनुसार 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र यानी कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट रूटीन मेंटेनेंस जांच चल रही थी, तभी विस्फोट हुआ। अगले कुछ दिनों तक इमरजेंसी सेवाओं के लोग आग बुझाने और रेडिएशन रोकने पर लगे हुए थे। प्लांट के लोगों के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। शुरुआती आग सुबह 5 बजे तक बुझ गई थी, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिनों तक चलती रही। इसे बुझाने में करीब 250 फायर फाइटर लगे रहे। ज्यादातर लोगों को उल्टियां आ रही थी, सिरदर्द हो रहा था। 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर का इलाका खाली करा दिया था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसे में कुल मिलाकर 31 लोगों की सीधे तौर पर मौत हुई थी। साल 1991 से 2015 के बीच थायराइड कैंसर के 20,000 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मरीज कम उम्र के थे, यानी 18 साल से कम। हालांकि इसके अलावा कैंसर के अतिरिक्त मामले भी सामने आए हैं, क्योंकि कई कर्मचारी, स्थानीय निवासी और लोग रेडिएशन की चपेट में आए।